हेलो दोस्तों, टेक्नोलॉजी में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सब सब कैसे, उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पॉपुलर बजट सेगमेंट के अंदर जो पॉपुलर हेडफोन होता है, एक वन मोर पिस्टन फिट और एक जो एमआई ईयरफोन, तो दोनों ही उसका प्राइस सेगमेंट में बहुत ही अच्छा है, 1000 बिलो 1000 के अंदर बहुत ही अच्छा है। वीडियो में आप लोगों को दो जो हेडफोन है उसका मैं कंपैरिजन एंड रिव्यू करके दिखाऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, डिटेल्स रिव्यू करूंगा दोस्तों, एक स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बिल्कुल फ्री और आगे चलकर आप लोगों को के बारे में सबसे पहले पता चले। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों बेसिकली देख सकते हैं, कुछ ही दिन पहले मैंने वन मोर पिस्टन फिट का जो हेडफोन है, तो इसका जो प्राइस है दोस्तों, पहले जो लॉन्च हुआ था 999 पे लॉन्च हुआ था, अब जो है उसका प्राइस गिर गया 849 पे आपको मिल जाएगा। तो ये इसका मैंने अनबॉक्सिंग किया था, तो वो वीडियो अगर नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। और बहुत सारा दोस्त भी मेरे को बोले थे, और आप लोगों को इस तरह से कमेंट आया था कि तो सर आपके पास वन मोर पिस्टन फिट भी है और जो है बेसिक एमआई हेयरफोन जो बेसिक से, तो वो भी है 6999 वाला। दोनों का ही जो अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियो था मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, तो अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके इसका जो अनबॉक्सिंग है वो जाके देख सकते हैं। पर आज इस वीडियो में इसका दोनों का जो मैं डिटेल्स एंड कंपैरिजन करूंगा, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, दोनों का प्राइस थोड़ा सा अलग है, पर इसका जो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और साउंड क्वालिटी, बेटर साउंड आउटपुट के लिए दोनों ही माना जाता है। इसमें से कौन सा अच्छा है मैं दोस्तों वही दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, दोस्तों देख सकते हैं ये जो है एम आई ईयरफोन का बॉक्स है, और ये जो वन मोर पिस्टन का बॉक्स कुछ इस तरह से नजर आता है। और उसके बाद तो दोनों का जो स्पेसिफिकेशन मैं आप लोगों को एक बार दिखा देना चाहता हूँ। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों दोनों ही इन ईयर हेडफोन है, और एमआई का जो इम्पीडेंस है तो 30 ओम्स का है, और यहाँ पे के जो इसका भी है दोस्तों देख सकते हैं, मेरा जो लेफ्ट साइड पे है ये बेसिकली दोस्तों एमआई हेडफोन का है, और राइट साइड पे जो है वन मोर पिस्टन का हेडफोन है तो उनका है। तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, दोनों ही दोस्तों बेसिकली देख सकते हैं इन ईयर हेडफोन है, दोनों ही इन ईयर हेडफोन है। और इसका जो वेट की बात करें दोस्तों, दोनों ही 14 ग्राम में 3.5 mm ऑडियो जैक मिल जाता है, और इसका जो साउंड का इम्पीडेंस है 32 ओम्स है एमआई का, और यहाँ पे जो वन मोर पिस्टन का है उनका भी सेम है। पर क्वालिटी में आपको मैं बताता हूँ, और केबल लेंथ देख की बात करें दोस्तों 1.25 mm का है, और इसका भी जो है वन मोर पिस्टन का भी है वो सेम ही है 1.25 mm, ठीक है। और दोस्तों दोनों का जो रेटेड पावर है 5 mW आपको मिल जाता है, और सेंसिटिविटी की बात करें दोस्तों इसमें भी 100 dB का है और उसमें भी 100 dB का है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी रेंज भी 20 से 20,000 के अंदर है दोनों का ही। तो ये तो दोस्तों इन टर्म्स टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हो गया, उसके बाद में रियल जो है वो मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने एक हफ्ते से यूज कर रहा हूँ, उसके बाद जो इसका मैं फीडबैक मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। तो ये इसका लुक कुछ आप इस तरह से देख सकते हो, वन मोर पिस्टन का दिखने में बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं, तो इसका जो केबल है ये आप केबल देख सकते हैं दोस्तों, टेंगल फ्री केबल है, पर इसमें जो है केबलर फ्री नहीं है दोस्तों, एमआई की तरह। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, देख सकते हैं ये वाला लेफ्ट साइड में मेरा जो है वन मोर पिस्टन का हेडफोन का है केबल का वायर, और ये वाला जो एमआई का है आप खुद ही देख सकते हैं, ये वाला जो है केबलर फ्री का है एमआई का, ये आप देख सकते हैं, और वन मोर पिस्टन का जो है नॉर्मल तरीके से वायर है, ये दोनों में आप डिफरेंट है इस तरह से आप कुछ देख सकते हैं। और दोस्तों 3.5 mm जैक की बात करें दोस्तों, दोनों में आपको जो है ग्लोबल प्लेटेड 3.5 mm जैक मिल जाता है, पर ये जो है एमआई का जो है दोस्तों 90 डिग्री एंगल पे बना गया है, और इसका भी सेम है 90 डिग्री एंगल पे, पर देखने में जो वन मोर पिस्टन है बहुत ही अच्छा लगता है। और इन टर्म्स की क्वालिटी की बात करें दोस्तों, एमआई का जो हेडफोन है तो उसमें बहुत ही अच्छा है, तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से है, और उसमें दोनों के एमआई और फिर वन मोर पिस्टन का ब्रांडिंग देके गया है। और यहाँ के जो माइक की बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो माइक है वो आप देख लीजिए एक बार, और लेफ्ट साइड पे मेरा वन मोर पिस्टन का माइक मिल जाता है इस तरह से देख सकते हैं, और राइट साइड पे जो है मेरा एमआई का मिल जाता है। तो एमआई का सबसे बड़ा खास पॉइंट मेरे को लगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो माइक है, मैंने यूज करके देखा, अगर ज़्यादा शोर वाला या फिर नॉइज एरिया हो तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से नॉइज कैंसिलेशन करता है, और मेरा पिछला 2-3 वीडियो इसी माइक से शूट किया गया है, तो उसका क्वालिटी आप जाके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा एमआई हेडफोन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन, और ये जो है मिडिल पे जो है पावर बटन, म्यूजिक पॉज प्ले करने के लिए जो बटन है यहाँ पे आप देखे गया है, जो आपको वन मोर पिस्टन पे नहीं मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही बटन है यहाँ पे कॉल कटिंग करने के लिए, और म्यूजिक को पॉज प्ले करने के लिए, और यहाँ पे पीछे पे माइक देखे गया है, ठीक। दोनों ही दोस्तों मेटल चेंबर यूज किया गया है, यहाँ पे भी मेटल चेंबर वन मोर पिस्टन पे मिल जाता है, तो बेटर साउंड रिप्रोडक्शन के लिए, और एमआई पे भी सेम मिल जाता है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर मैं ओवरऑल वर्डिक्ट की बात करूँ दोस्तों, मैं आपको जो एक हफ्ते से सुन रहा हूँ उसके बाद जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, तो उसी के हिसाब से बात करने जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर
ये जो वन मोर पिस्टन है, तो एक कानों से मेरा जो दोस्तों पर्सनल फीलिंग्स है तो उसमें से बता रहा हूँ, जो वन मोर पिस्टन है दोस्तों एक कानों से जल्दी से फिसल जाता है, तो मैंने उसको ट्राई करके देखा है। तो अगर खूब जॉगिंग वॉगिंग करना चाहते हैं तो ये कानों से ठीक तरह से रहते नहीं, फिसल जाता है। और ये अगर एम आई हेडफोन अगर आप लगा दिया कितना भी खींचे तो ये उतना जल्दी गिरता नहीं है, ये वाला एक मैंने पॉजिटिव पॉइंट एम आई हेडफोन पर देखा हूँ। और इसका जो प्राइस है 699 का है, और ये वाला जो है 849 का है। और ये एक साल पहले लॉन्च हुआ था, ये दोस्तों कुछ ही दिन पहले 4-5 महीने पे लॉन्च हुआ था, 4-5 महीने पहले। और जो साउंड क्वालिटी की बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो है बेटर आपको साउंड क्लैरिटी मिल जाता है, हर एक इंस्ट्रूमेंट आपको क्लियर तरीके से जो वन मोर पिस्टन है वहाँ पे मिलता है, पर बैस जो है थोड़ा सा कम है दोस्तों। तो और यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है इसका, इसका वायर का बिल्ड क्वालिटी भी उतना खास नहीं है एम आई की तरह। और इसका बात करें दोस्तों, एम आई हेडफोन की बात करें दोस्तों, इसमें जो बैस है थोड़ा सा हैवी बैस है, इसलिए थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो दब जाता है, पर इसमें जो है जो वन मोर पिस्टन है उसमें बिल्कुल सही तरह से सुनाई देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। हर एक इंस्ट्रूमेंट क्लियर तरीके से सुनाई देता है, जो इसमें एम आई हेडफोन के थोड़ा सा बैस होने से ज़्यादा ये जो इसका जो छोटा छोटा इंस्ट्रूमेंट है थोड़ा सा दब जाता है। पर ये अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो दोस्तों दोनों में सबको कौन सा लेना चाहिए, अगर आप साउंड ज़्यादा पसंद करते हैं तो अब जो है वन मोर पिस्टन आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वालिटी आपको मिल जाएगा। साउंड की बात करूँ जो सिर्फ साउंड की बात करूँ मैं, और अगर बिल्ड क्वालिटी बात करूँ तो दोस्तों जो आप एम आई हेडफोन ले सकते हैं, आपका अच्छा बैस भी मिल जाएगा और इसका जो कॉर्ड का क्वालिटी है वो भी बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं टैंगल फ्री कॉर्ड, जो केवलर फ्री टैंगल फ्री कॉर्ड है वो मिल जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यही था थोड़ा सा छोटा सा इन्फॉर्मेशन दोस्तों आप सभी के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का जो मेरा वीडियो था अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो जरूर दोस्तों लाइक कमेंट दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी इस तरह का टिप्स ट्रिक्स पता चले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, हैव अ गुड डे, बाय।